साइंस में हम प्रोटीन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं एवं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है। रक्त, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि के तंतु, त्वचा, बाल आदि के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। प्रत्येक कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती है। इस प्रकार हम जानते हैं कि जीवित रहने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन को शरीर की आधारशिला बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी की संज्ञा दी गई है। प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द प्रोटियस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। प्रोटीन की खोज सर्वप्रथम 1838 में डच निवासी मूल्डर नामक रसायन शास्त्री ने किया था। उन्होंने अपने शोधों एवं अनुसंधानों से यह परिणाम निकाला कि सभी प्राणियों की कोशिकाएं एवं ऊतक प्रोटीन के बने होते हैं। उन्होंने जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को पृथक करके उनका वर्णन किया और उन्हें प्रोटीन नाम दिया। इस प्रकार प्रोटीन का नामकरण भी मूल्डर ने किया। प्रोटीन शरीर में उपस्थित सभी तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है। मात्रा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि जल के पश्चात प्रोटीन का ही स्थान आता है, अर्थात शरीर में जल की मात्रा यदि पहले स्थान पर है तो प्रोटीन का स्थान दूसरे है। शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों के संपादन के लिए कार्बोज एवं वसा भी आवश्यक है। कार्बोज एवं वसा से ही हमें ऊर्जा मिलती है, परंतु संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो क्रियाशील ऊतकों के निर्माण में मुख्य घटक नहीं है। जैसे मांसपेशियां, तंतु में मुख्य भाग प्रोटीन होता है और न्यून मात्रा में कार्बोज तथा बहुत कम मात्रा में वसा उपस्थित होती है। रासायनिक संगठन देखते हैं हम प्रोटीन का। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन के अणुओं में सल्फर एवं फास्फोरस भी उपस्थित रहते हैं। कुछ प्रोटीन अणुओं के साथ कुछ अकार्बनिक तत्व जैसे लोहा, तांबा, आयोडीन, कोबाल्ट एवं अन्य लवण भी उपस्थित रहते हैं। प्रोटीन में मुख्य भाग नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन कार्बोज एवं वसा से भिन्न है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन को नाइट्रोजन भोज्य तत्व या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी कहते हैं। प्रोटीन में प्रमुख रसायनों का प्रतिशत हम इस प्रकार देख सकते हैं। प्रोटीन में कार्बन है 50%, ऑक्सीजन 32, नाइट्रोजन 16, हाइड्रोजन 7, सल्फर 3 और फास्फोरस 3। अब है अमीनो अम्ल। प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुतम या सबसे छोटी इकाई है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधारीय स्तंभ कहते हैं। अमीनो अम्ल की संरचना को देखा जाए तो पता चलता है इसमें दो समूह होते हैं। पहला अमीनो समूह है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है और प्रोटीन को क्षारीय गुण प्रदान करता है। दूसरा है कार्बोक्सिलिक समूह है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है और प्रोटीन को अम्लीय गुण प्रदान करता है। उपरोक्त दोनों समूहों की उपस्थिति के कारण अमीनो अम्ल की प्रकृति उदासीन होती है। अमीनो अम्ल के इस गुण में समानता होने पर भी इसका संगठन प्रकार, रासायनिक तत्वों का अनुपात एवं उनकी व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। प्रोटीन की गुणवत्ता उसमें उपस्थित अमीनो अम्ल के प्रकार, मात्रा एवं उनके आपस में जुड़ने के तरीके पर
निर्भर करती है। इस प्रकार प्रत्येक प्रोटीन के गुण एवं विशेषताओं में अंतर पाया जाता है। अब तक कुल 22 प्रकार के अमीनो अम्लों का पता चल सका है जो हमारे भोजन एवं शरीर में पाए जाते हैं, जिसमें से 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इन्हें भोजन द्वारा लेना आवश्यक होता है क्योंकि इसके बिना शरीर की वृद्धि एवं विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, इसकी कमी से शरीर की बढ़ोतरी रुक जाती है, क्योंकि शरीर में न तो नए कोशिकाओं का निर्माण हो पाता है और न ही क्षतिगत कोशिकाओं का व तंतुओं की मरम्मत हो पाती है। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल जिनका मैं नाम बता रही हूँ, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, ट्रियोनिन, फिनाइल एलानिन, वेलिन एवं ट्रिप्टोफैन है। ये सभी 10 अमीनो अम्ल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरी हैं। इन सभी में ट्रिप्टोफैन से बहुत सी महत्वपूर्ण आवश्यक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। जिस भोज्य पदार्थों में इसकी जितनी अधिक मात्रा उपलब्ध रहती है वह भोज्य पदार्थ उतना ही अधिक पौष्टिक और परिपूर्ण होता है। प्राणी भोज्य पदार्थों में ट्रिप्टोफैन प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, जैसे दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, अंडा, यकृत, छाछ, दूध से बनी मिठाइयाँ आदि। 10 अमीनो अम्ल के अतिरिक्त 5 अमीनो अम्ल ऐसे हैं